الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوصوا عهدا الذين هم مكافيه الرحمة ومصابيه الغلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرجون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل صدق الله مولانا العظيم ارباب علم ودانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں کوکھائی میمن مجلس کمیٹی کراچی کے زیر اہتمام چھ روزہ داماد عالی و فرزند عالی کانفرنس کا یہ چھٹا اور اختتامی اجلاس ہے جو 16 ستمبر 1986 کو یہاں میمن سوسائٹی کراچی میں انعقاد پذیر ہے اور ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہاں جمع ہے گزشتہ دو راتوں کی طویل نشستوں میں تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں آج کے اس دن کے اجلاس کے ضمن میں میری رائے یہ تھی کہ اسے ملتوی کر دیا جائے اس لیے کہ جب ہم آپ کو رات کے 2 بجے یہاں سے روانہ کریں گے گھر پہنچتے پہنچتے بعض دوستوں کو 3 بجتے ہیں بعض حضرات 4 بجے گھر پہنچے تقاضا ہے بشریت کے پیش نظر انہیں کچھ آرام بھی ملنا چاہیے پھر ہم ان سے یہ کہیں کہ وہ 10 بجے یہاں پھر تشریف لے آئے شبھ جبکہ سڑکوں پر روڈ جو ہیں وہ ہائی جیک ہیں ان پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں لیکن آباد میں یہ موقف میرے سامنے رکھا کہ چونکہ ہم اس نشست کا اعلان اخبارات میں کر چکے ہیں اشتہارات میں کر چکے ہیں تو اس کے انتظار میں کچھ دوستوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے لہذا اسے ہونے میں دیا جائے
अल्लाह ताला ये निश्चित भी हो रही है और आप खुदरा रुकावटों के तमाम संगे गिरा को संघाए गिरा को उबूर करके अपने इस प्रोग्राम में पहुंच आए हैं। मैं आपको हदिया तकलीफ पेश करता हूं और इस मुलाकात में कॉन्फ्रेंस के ऐलान पर आपको मुतवज्जे करता हूं। दामाद आली यानी इमाम अदल हुरियत मराद मुद्दाए रसूल फिरासत रास्ता के दूसरे ताजदार अमीर मोमिनीन कातिलुल मुशरिकीन साथ यहूदियत और ईसाइयत हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सरजंदे अली यानी नवासा रसूल मकबूल जिगर गोशाए बतूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आजम जिन्होंने यकुम मुहर्रम को जाने शहादत पीकर हयात जावदानी का शर्त हासिल किया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने 10 मुहर्रम हराम को जाने शहादत पीकर कभी न खत्म होने वाली जिंदगी हासिल कर ली। हमें अपने शानदार माजी के हवाले से जब इस्लाम के इन काबिंदा किरदारों का तज़किरा करना होता है तो जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं फ़ख़्री अंदाज में सर ऊंचा करके इसलिए कि इन सब हजरात ने शुहदाए बद्र से लेकर इस्लामी हजरात सराया ने जानों का निगराना पेश करने वाले तमाम शहीदों का जिन किरदारों ने भी ईसार का रास्ता अपनाया उन्होंने राह हक में सर कटाकर मिल्लत का सर ऊंचा किया। अगर मिल्लत एहसान फरामोश नहीं है अपने मोहसिनीन को पहचानती है तो उनकी याद फ़ख़्रिया अंदाज में मनाएगी ताकि इसको मोहब्बत पर चलने वाले क़यामत तक काफ़िले चलते रहे। दामाद अली सैयदना फारूक आजम और फरजंदे अली सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में इस तरह लाजिम और मलजूम है जिस तरह के जिस्म और जान। एक छोटा सा मैं आपको अंदाज दौरे फारूकी में से अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा कि जब यज़दगर्द के गुरूर पर फारूकी जलालत ने दर्द कारी लगाई और ईरानी सहनशाहियत के पख से उड़े और ईरानी मजूसी बादशाह की अहले खानदान जो जिंदा बच गए थे जंगी कैदी बनकर बादशाह खिलाफत में लाए गए तो जंगी कैदियों में आने वालों में यज़दगर्द की बेटी भी थी शहरबानो इत्तलान आ गए कि उस जमाने में शहनशाहों की बेटियां बाआबरू हुआ करती थी बस अकीदा तो होती थी लेकिन बेआबरू
होती थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि असर हाजिर का नौजवान कहीं ये सोचने लगे कि शहनशाह की बेटी से जब शादी हुई तो इज्जत का जौहर तो होगा नहीं, मगर ये बात मैं तारीख की शराबों को थोड़ा बनाकर कहना चाह रहा हूं। आज भी चले जाइए, कल की बात है, मोहल ताजदारों के जमान से पहले मोहल बादशाहों की बेटियां बेशक शाही घराने में जिंदगी गुजारती थी, लेकिन वो किले आज भी गवाही दे रहे हैं कि उनकी रिदाए इज्जत महफूज रहा करती थी, आसमान के सितारे भी उनके सर की बिरहंगी को नहीं देख पाते। ये तो बाजार के लिफंगे हैं जिन्होंने दौलत की प्यारी का सर नंगा साबित करने के लिए एड़ी चोटी को बोल लगा रखा है। ये बाजार के लिफंगे हैं जो राजपुर पर फैसलो हैं, जो मोरख तमारी लादी के अजंत हैं, जो जैनक का सर ग्रहना बताते हैं। हम तारीखी हवालों की ये बात का सामना करके इस पूरी तारीख को दीवार को नहीं कदम में फेंकते हैं। जो दिलचाली का सर ग्रहना बताती है, इस जीवन में हम आंखें बंद करके ईमान की रोशनी में फैसला करते हैं कि करामत आ सकती है, लेकिन अली की बेटी सर ग्रहना होकर कभी गैर महरम के सामने नहीं आ सकती। तारीख कुछ कहती थी, रावी कुछ कहता थी, ऐसे ही सफल है। तारीख में यार नहीं है, यह बात मेरे अमानत है, हक में अल्लाह के सामने मिलेंगे तो वहां आपके यह बात काम आएंगे। असहाबे रसूल को समझने के लिए तारीख में यार नहीं है, अहले बैत के रसूल को समझने के लिए तारीख में यार नहीं है। मैं ये अल्फाज फिर दोहराऊंगा कि सहाबा अहले बैत और अहले रसूल तारीख का मोहताज नहीं है, तारीख इनकी मोहताज है। हम सहाबा को तारीख के आईने में नहीं पढ़ेंगे, तारीख को सहाबा की अजमत के आईने में पढ़ेंगे। जो तारीख इनकी अजमत की इत्तेफाक करेगी हम उसे अक्सर करेंगे, जो तारीख इनकी अजमत की नफी करेगी तारीख का इंकार करेंगे, लेकिन सहाबा वाली गैर की अजमत का इंकार करेंगे। अकीदे की बात, बादशाहों की बेटियां बाइज्जत हुआ करती थी, वो वीसीआर और बीपी की जकी हुई नहीं होती थी, उनका दोष बाजारी नहीं होता था। हाय हाय हाय, उनका दोष बाजारी नहीं हुआ करता था। बखुदा बादशाहों को ऊंचे महल्लात में रहने वाली बेटियां बाइज्जत हुआ करती थी। शहरबानों जंगी कैदी बनकर आई थी, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देखकर फरमाया इसका निकाह किससे करूं। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा भी बैठा था, हाजरीन में से किसी ने इशारा किया कि आपका बेटा इसके लिए मौजूद है। अमीर मोमिनीन, मैं अगर जानते हो फारूक आजम ने क्या कहा, बादशाह की बेटी है, इसमें सर्वतो तमक्कुल दौलत की रंगीनियां देखी हैं, इसमें शाही देखी है। मैं चाहता हूं मेरा प्रवेशी का मुशाहिदा भी कर लो। मेरा भतीजा हुसैन कहां है,
हुसैन रजी अल्लाह तआला के सामने आए, हुसैन को करीब बुला के माथा चूमा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा, फरमाने लगे बेटा तू भी मुझे बहुत अजीज है, लेकिन हुसैन के बाप जैसा तेरा बाप नहीं। यह सच्ची बिरादरी थी, यह सच्ची मोहब्बत थी। कभी अली सालू के आसम के जिम्मन में बिछ बिछ जाते हैं, कभी उमर अली के जिम्मन में बिछ बिछ जाते हैं, कभी फारूक कहते हैं लौला अली लहला का उमर, अगर अली मेरा मुशीर न होता तो उमर हलाक हो जाता। कभी अली कहता है लौला उमर लहला का अली, अगर उमर मेरा भाई न होता तो अली हलाक हो जाता। यह सच्ची मोहब्बत, यह बेदार असमत थी। हुसैन को करीब बुलाया, हुसैन का माथा चूमा, सामने दिखाया, अपने बेटे से कहा तुम मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन हुसैन का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि हुसैन के बाप जैसा तेरा बाप नहीं है, हुसैन की मां जैसी तेरी मां नहीं, और हुसैन के नाना जैसा तेरा नाना नहीं, इसलिए मैं शाही घराने की परवरदा शहरवाना से मिले हुसैन को दूल्हा बनाता हूं, हुसैन को दूल्हा बनाता हूं। तो जाओ मेरे प्यारे दूल्हा, तैयारी करो, तुम्हारी शादी हम शहरवानों से करेंगे। और शहरवानों से कहा बादशाह की बेटी अल्लाह का शुक्र अदा कर, एक छोटे से सिक्के की बादशाही में तेरा बाप जाना जाता था, मैंने तेरी निस्बत उससे कर दी है जिसके नाने की दोनों जहानों के बादशाह, तूने सोने के बर्तनों में पानी पिया था, अपना मिट्टी के बर्तनों में पानी पीकर लोग सब देखो, तूने याकूतियां खाई थी, अपना दाल रोटी के मजे उठाओ। अरे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहरवानों के दूल्हा बन गए, इसे जन्म आबीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जन्म लिया। मेरा भी दोस्तों हम देख रहा था किस्मत में उमर और हुसैन जिसमें जान की हैसियत रखते हैं, जिस्म और जान नहीं जुदा किया जा सकता, जिस्म से जान को सबाइयत करता बंदा है, मुनाफिकीन का झूठ है तो कारू के आगे और आगे एक रसूल में मुनाफिक थी या फासले थे या दूरी थी। मैं दावा करता हूं तारीख की शराब को गवाह बनाकर कि कारू के आगे और आगे बैठ में दूरी नहीं, कुरब था, अदावत नहीं, मोहब्बत थी, इंसाफ नहीं, इत्तेहाद था, ये बचे हुए नहीं थे जुड़े हुए थे, और इनके इत्तेहाद मुआफात पर नबुव्वत ने ताईद की मोहरें साबित की हैं। यही वजह जिस महीने को फारूक आजम ने दुनिया छोड़ने के लिए चाहा, वही महीना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला आने के सफर आखरत का नसीब बना। उमर को भी शहादत की तमन्ना थी, हुसैन की शहादत का तमन्ना ही था। आप जानते हैं फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आने के कातिल ने धमकी दी थी फारूक आजम को, जिन्होंने तारीख के सच्चे औलाद का मुताबा किया वो जानते हैं क्या नाम था फारूक आजम के कातिल का, फिरोज बेईमान ईरानी मलहून, इंतकाम लिया ईरानियों ने फारूक आजम की जलालत के किरदार से, ईरानी बादशाह के जो पक्ष हुए इंतकाम लिया उन्होंने, तीन किरदार खरीदे गए फारूक आजम को रास्ते से हटाने के लिए, जुफैना, रमजान और फिरोज, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मजूसी, फारूक आजम
की शहादत को पसमंदर में जो साजिश कार फरमा थी उसमें यहूदियत भी इन्वॉल्व थी, नसरानियत भी इन्वॉल्व थी और मजूसियत भी इन्वॉल्व थी। अगर आप इजाजत दें तो तजिया करते हुए कह दूं, इस्लाम दुश्मनी में जो ताकतें कल मुतहरक थी वही ताकतें आज भी मुतहरक है। सहूदियत, महदियत जदीद इस्लाम है, सहूदियत और नसरानियत और मजूसियत ये तीनों हुकूमतें इस्लाम की ओर जाकर से दुश्मन चली आ रही है। आज भी फारूक आजम को धमकी मिली, लेकिन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कोई सिक्योरिटी फोर्स पसंद न फरमाई, वो तो अपने गवर्नरों के लिए भी हिदायत दिया करते थे दरवाजे पर कोई चौकीदार खड़े न करना, जिसको गवर्नर बनाते थे फरमाते थे अपने दरवाजे पर कोई चौकीदार खड़ा न करना, इसलिए कि गवर्नर का चौकीदार गवर्नर को भी सीनियर समझता है अपने आप को। गवर्नर से अगर मुलाकात करनी हो और उसको चौकीदार से वास्ता पड़ जाए, आप उसके चेहरे को देखेंगे वो आपकी जेब को देखेगा, भूखे गद्दी नशीन की तरह, भूखे गद्दी नशीन की तरह। जिस तरह गद्दी नशीन मरीज की जेब को देखता है, मरीज बेचारा खारिश भी करे तो गद्दी नशीन समझता है निगरानी निकाल रहा है, चौकीदार भी आपकी जेब को देखता है। अगर आपकी जेब ने इशारा कर दिया तो मुलाकात की कोई सूरत निकल आएगी, और अगर नहीं तो कहेगा साहब मसरूफ है, साहब जी टॉयलेट में गए हुए, साहब जी बेडरूम में, साहब के कुछ ऑफिशियल गेस्ट आए हुए, साहब की जेब है, साहब जो है और साहब जो है रवाना किया फरमाया वो हजार के बने मेरे पास अबू तैयार रजी अल्लाह तआला ने बुलाए गए मदीना नगरों में। फारूक आजम की बारगाह अदालत में मिस्र का गवर्नर हजरत अय्याज सामने खड़ा हो, फरमाते मैंने सुना है तुमने अपने दरवाजों को चौकीदार रखे हुए हैं, अब यहां फला इलाके से यहूदी और नसरानियों की तरफ से धमकी आई है कि हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो एहतियातन मैंने चौकीदार रखे हो। फरमाया अय्याज खूब सुनाई आपने, ये आपने अल्लाह से हट कर चौकीदारों पर भरोसा करना कब से शुरू कर दिया, क्यों ना आपको मालूम कर दिया जाए। जिम्मेदारी दी कि आइंदा यह शिकायत नहीं मिलेगी जब जाकर उन्हें बहाल किया गया। अगर के साथियों ने धमकी दे दी थी लेकिन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के भरोसे पर मामूलात में मसरूफ रहे, ज्यादा से ज्यादा कातिल जान ले सकते थे ना, और जान देना फारूक आजम की मंजिल थी। जब उसी को जान देनी है तो फिर परवाह न कर कि मौत तुझ पर आ करे या मौत पर तू जा करे, जब उसी को जान देनी है तो फिर परवाह न कर कि मौत तुझ पर आ करे या मौत पर तू जा करे। सारू के हाथ में जिंदा उतार आने मना के सबके लिए मस्जिद नबवी तशरीफ लाओ, और कातिल जहर में बुझा हुआ अंदर लेकर इंतजार में बैठा है। जो ही नमाज शुरू हुई घाट से निकला और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर उसने खंजर के वार किए। इस्लाम का यह बाजू शमशीर अफजल, इस्लामी जलालत का मुरक्का, गैरत दीनी की पहचान और इस्लामी आदत के जमन में रोशनी का अजीम मीनार जख्मी होकर जमी होश होने लगा।
असद में खड़े हुए हजरत अब्दुलरहमान का बाजू पकड़ा, मुसल्ले पर खड़ा करते हुए फरमाया, मेरे तड़पने का वक्त आया है, तुम रसूल की उम्मत से नमाज पढ़ाओ। आसमान की आंखें तड़प गई है उन नमाजियों को देखने के लिए कि जो इतने बड़े हादसे के बावजूद सफे नहीं तोड़ते। कातिल ने भागना चाहा कि सफों से कोई रास्ता नहीं जाए, निकल भागूं, लेकिन वो सफे मस्जिद में ऊंघने वाले मुजाहिदों की नहीं थी, मस्जिद में जागने वाले मुजाहिदों की थी। अब तो मस्जिद में कदम रखते ही जमाइयां आने लगती, जो बेडरूम में तड़पता है वो मस्जिद में सोता है। मेरे तो मुशाहदा है, एक रात के चंदे में गए, सलाम फिरने तक न उठे, सिर्फ ये नहीं कि उठे नहीं, खरातों ने पूरी मस्जिद को आबाद कर दिया, हर शख्स उनके खरातों से मौजूद हो रहा था। लेकिन वो मोहम्मद अरबी के शागिर्द थे, वो शनाखा थे इश्क की अदानी थे, वो मुजावर नहीं थे, मुजावर थे। फिर उसने भागना चाहा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मायूस होकर उसने अपना वही खंजर जो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमले में इस्तेमाल किया था, वही खंजर अपने सीने में उतार दिया, अपने सीने में उतार दिए, अपने सीने में उतार दिए और नक्श कर गया, नक्श कर गया ये अदा कि उमर के दुश्मनों की पुरानी अलामत है कि वो अपने खंजर से अपना सीना, अपने खंजर से अब तरक्की हो गई है। अब आज दूसरे ने तरक्की की है तो ये भी होता है, ये भी होता है। वो रश्के जन्नत में पहुंच गए और उमर के दुश्मन अंगारों पे लौट गए। राजे पाप ने फरमाया, मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन्नार, अहले ईमान के लिए रहमतुल्लालमीन के सच्चे वफादारों के लिए कुरान का ऐलान है, يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي الله جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی جس دن دنیا کے سارے رشتے ناکارا ہو جائیں گے उस दिन मुझे रुसवाई से बचा लेना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इल्तिजा कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के लिए आज खुद ऐलान किया, यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा, वो दिन यानी असर का दिन के जिस रोज रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर का कभी सर नीचा नहीं होने देगा और नबी के वफादारों का भी सर नीचा नहीं होने देगा, मेरा महबूब भी सरबलंद, उसके रज़ाकार भी सरबलंद, वो हश्र में यूं नजर आएंगे कि उनके आगे नूर, उनके दाएं नूर, उनके बाएं नूर,
हर तरफ से तजल्लियात की हमाहमी होगी और मोहम्मद के रजाकारी का आशिका ना सफर होगा। ये नूर जो है ना, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन के गुलामों का क्या कहूं, खिदमतगार कह दूं या रफी के सफर कह दूं या गर्दे राह कह दूं, गर्दे राह कह दूं। मेरे जिन दोस्तों ने नूर नूर की रट लगाकर इस्लामी माशरे में कंफ्यूजन पैदा की है, यंग जनरेशन को मायूस किया है, उन्होंने असल में मकाम इंसानियत को समझा ही नहीं। मकाम इंसानियत नूरियों से बहुत बुलंद है। जब ये मकाम इंसानियत को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर बात समझ में आ जाएगी। बात समझने की है तो मैं आज क्या कर रहा था, सारी से आजम तो बच्चे की अनुमानों का जन आपने पास हो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, जिसको हम जन्नत नहीं रस के जन्नत कहते हैं, वो जगह जहां रहमत आलम आराम फरमाए अपने वजीरों समय, वजीर सदाकत वजीर अदालत समय, जहां मेरे आका आराम फरमाए, हम उस मरकज को जन्नत नहीं रस के जन्नत, उस पर जन्नत भी व्यक्त करती है कि आए अल्लाह मुझे वो रफात नसीब हो जाए जो मकाम रिसालत को नसीब, जहां मेरे आका तशरीफ फरमाए। यही वजह है जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ज़ैनुल आबिदीन शेखैन का मकाम हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। अपना अपना अंदाज होता है ना, अभी हमारे नतीजे पाकिस्तान जो है वो बारगाह सदाकत में अकीदत के फूल पेश कर रहे थे, उनका अपना अंदाज है। इनकी बातों को गौर से सुना कीजिए, आपका पुराना खादिम हाजी साहब की जो खूबी मुझे पसंद आई वो ये है कि पूरी जिंदगी सच्चे लोगों से वफा में गुजारी। इन्होंने अमीर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस तरह बिछाया, उनके लिए दस्तरखान सजाया, हजरत मदनी का मेजबान है, मौलाना हबीबुल रहमान दीवानवी का मेजबान है, काजी एहसान लहू का मेजबान है। तो अगर से बूढ़ा हो गया लेकिन पकड़ी से तो नहीं उतरा, तो इनकी बातें सुनकर हंसा ना करो और किया करो। वो अपने अंदाज में सिद्दीक अकबर का मकाम देख कर रहे थे, मैं अपने अंदाज में करूंगा, बिरादर जिंदाबन अगर दीनपुरी अपने अंदाज में पेश करते हैं तो यार अपने अंदाज में पेश करेंगे। तो बाद लोगों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हम आपकी जुबान से शेखैन का मकाम सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि सिद्दीक उमर का मकाम क्या है। अजीज नौजवान, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनिए, आप धूप पे खड़े हैं, मुझे हया रही है कि मैं सारे खड़ा हूं, आज के मैं भी नहीं खड़ा हो सकता ये सारा इंतजाम लेकर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सिद्दीक उमर का मकाम मुझसे पूछते हो, ये पूछने की बात नहीं है, मदीना चले जाओ, रौज़ाए रसूल हुजरा आयशा सिद्दीका का दरवाजा खोलो, आंखों से देख लो सिद्दीक उमर का क्या मकाम है। ये बात सुनने सुनाने की नहीं, ये तो मुशाहदा की बात है, और मुशाहदा बड़ा कदमी होता है, इल्म के कदम तन मुशाहदा की एक रत्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी आंखों से जाकर मदीना के रसूल में हुजरा आयशा का दरवाजा खोलो, सिद्दीक उमर का मकाम देखो, जिन्हें रहमत आलम ने अपने पहलू में सुना रखा है उसका मकाम मैं अपनी जुबान से क्या बयान कर सकता हूं। वो तो पहुंच गए रस्ते जन्नत में और उनके दुश्मन पहुंच गए
अंगारों पर, चूंकि कुरान ने ऐलान किया यकीन मुनाफिकीन जहन्नम के गहरे गड्ढे में हुआ करेंगे, और ये इसलिए कि वो दिल के बीमार हैं। ये बात भी मुशाहदे में आ जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं उनमें अंगारे भरे जाते हैं कि नहीं, मजलूम का खून आसानी से नहीं पकता, बोलता है खून तो धुआं उड़ जाता है सजाओं में और खून जम जाता है धरती के सीने पर, वो उड़ता नहीं जमता है। जुल्म फिर जुल्म है, उठता है तो उड़ जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, उठता है तो उड़ जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, गड्ढे खोदे जाते हैं अंगारों से उन्हें भरा जाता है, और फिर दिल के बीमार वो अग्नि पर नसीर और अंगारे पर रक्त करते हुए नजर आते हैं तो नहीं। आज पर मातम, आज पर मातम, मातम ही मातम, इसका अर्थ है। और ये सिलसिला क्या मतलब जारी रहेगा इंशाल्लाह। मुझे नींद को सजा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सहाबा किराम पर बदगुमानी करने वालों को सजा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जिस सीने में बुग्ध सहाबा हो, जिस सीने में बुग्ध आयशा सिद्दीका हो, उस सीने पर मार करनी चाहिए नहीं? एक तरफ से दोनों तरफ से एक तरफ से दोनों तरफ से दोनों तरफ सारी राजनीति अल्लाह उठा लोग घायल होकर लाए गए। नमाज के बाद सरबंदा ने इतना मिद्दा गिर जमा है, इस बार उनका जिंदा उठा जाने ने पूछा कौन है मेरा कातिल? बताया गया फिरोज ईरानी। फिरोज का नाम सुनते ही ऊंची आवाज से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ऊंची आवाज से कहा कि मुसलमान एक दूसरे से गले मिल मिलकर मुबारकबाद देने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोमिनीन की तबीयत ठीक हो रही है, बच जाएंगे। इतनी ऊंची आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह का आंखों में आंसू थे, लेकिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जख्म इतना गहरा नहीं है। फरमाया अल्लाह से शहादत मांगी थी, अल्लाहुम्मा अर्जुनी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्जुनी शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मार बता कर, वजाल मौती फी बलदी हबीब, और मौत भी अपने महबूब के शहर में अता कर, मदीना में अता कर। अल्लाह का शुक्र अदा किया, काफिर के हाथों से मजूसी के हाथों से मारा जा रहा हूं, शहादत नसीब हो गई। अपने बेटे को बुलाए, फरमाया लख्त जिगर उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ, सैयदा आयशा के पास जाओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और जाकर आज करो तेरे बेटे की आरज़ू है कि रहमतुल आलमीन के कदमों में बसेरा कर लो। लेकिन ये चूंकि आपका हुजरा है, रौज़ा अर्ज है कि सैयद आयशा का हुजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी ये आरज़ू उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप इजाजत न दें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
سیدہ عائشہ کی خدمت میں آئے, آنسو میں ڈوب گئی تھی ام المومنین, سر پہ حسن و بنا لیے, شدید متاثر بیٹھی تھی. پوچھا کیا حال ہے میرے عمر کا, میرے عمر کا کیا حال ہے, میرا وہ بیٹا جس نے دکھ کے زمانہ میں میری وکالت کی تھی, جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر بدزبانی کی, الزام تراشی کی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا, ایک طرف سے آواز آئی تھی اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ کہتے ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں, عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, آنسو برس رہے تھے, عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل انتہائی ہے, پہلے میرے سوال کا جواب مرحمت فرمائیے, بس اتنا بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے, یہ رشتہ کس نے منتخب لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی, انتخاب تو عرش بریل کا ہے, فاروق عادل کی تلوار نیام سے نکل آئی, عرض کیا اللہ کے رسول سیدہ عائشہ پر بدزبانی کرنے والوں سے تو میری تلوار نمٹ لے گی, عائشہ کو آپ کے گھر کو نکالنے کا اختیار بھی اس مزاج کو ہے جس نے سوچ سمجھ کر کے فاطمہ کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجا تھا. لہذا ذکر کرو نقشبندی حضرات کی طرح ذکر کرو, ایسے جواب لینا چاہیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا دل شگفتہ ہو گیا, چہرہ فرط مسرت میں تمتماؤ, حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے راحت و مسرت کی روشنی ہویدا ہو گئی, فرمایا ابن خطاب جزاک اللہ نے تو میرے دل کی بات کر دی, بس جاؤ اب میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں, تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو. اور پھر اللہ کا فیصلہ وہی ہوا تھا جو فاروق اعظم کے جذبات تھے, فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا میرے بیٹے کا کیا حال ہے, وہ دکھ میں میری صفائی اور میری وکالت کرنے والا, رنج و غم میں میری حمایت کی آواز اٹھانے والا عمر, کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ عبداللہ نے دعا کی درخواست کی اور عرض کیا بازار میں بھیجائے, وہ چاہتے ہی تو حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو جائیں, لیکن حجرہ آپ کا ہو, آپ کی اجازت ضروری ہے, آپ چاہیں گی تو یہ ہوگا ورنہ نہیں. سیدہ فرماتی ہیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے, لیکن اگر ان کی روانگی کا وقت آ گیا ہے, اگرچہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی, لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں, عمر نے وفا کی ہے میں بھی وفا کروں گی, جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دو اگر اس زخم میں آپ نے آخرت
की याद से तुझे अपने हुजरे में सुनाऊंगी। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कोई इत्तला दी, दोनों हाथ उठा लिए, आंखों में आंसू थे और लबों पे मुस्कुराहट। अर्ज किया इलाहुल्आलमीन, अब कोई तमन्ना बाकी नहीं रही, अब कोई आरजू बाकी नहीं रही, तूने कर्म किया है जिंदगी की सारी आरजुएं पूरी हो गई। जब तुम मुहर्रम उल हराम को फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जाने शहादत नौश किया, फारूक आजम की आंखें बंद हुई, मदीना वालों की आंखें खुल गई, यतीम जमा होकर धारे मार मार कर रो रहे थे कि हमारा बाप पहुंच हुआ था, लेकिन आज तक उम्र की शक्कत ने हमें यतीमी का एहसास न होने दिया। हमारे बाप की तरफ से शायद कितनी शक्कत हमें न मिलती जो फारूक आजम की तरफ से मुझे सलाई। आज हमारी यतीमी का दौर शुरू हो रहा है, बेवाएं रो रही थी, हमारे बर्तनों में रात की तारीकी में पानी भरने वाला चला गया, हमारे घरों में रात के सन्नाटे में गल्ला पहुंचाने वाला चला गया। खुशी के मौके पर हमें याद करने वाला और दुखों में हमारा बदावा करने वाला उमर चला गया। मदीना से दूर जंगल में एक सहरा में चरवाहे की चीख निकल गई, पूछा गया क्या हुआ, कहने लगा खैर मालूम नहीं होती, आज भेड़िए ने हमला कर दिया है, जो हमेशा मेरी बकरियों के साथ वे तकल्लुफ फिरते थे आज उन्होंने हमला कर दिया। मालूम होता है कि उमर ने आंखें बंद कर ली हैं। मैंने रात भी कहा था वर पास फिर दोहराता हूं, हाकिम आदिल हो तो मनलकत के हर गोशे में उसके असरात होते हैं, और अगर हाकिम मुनासिब हो तो मनलकत के हर गोशे में उसकी नहूसत का प्रताव होगा। हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह भेष बदल कर, भैया आजान में शुरू हो जाए कहीं चार का, हाँ कौन एक होने लगा है, उनसे कहिए कि हम एक तक चलेंगे, आजान जब ये बात खत्म हो तो फिर शुरू हो। क्या कर रहा था, एक भेष बदल कर वो एक बार में पहुंचे लोगों के तासुरात मालूम करने के लिए कि लोगों की राय क्या है मेरे निकल। अनार के बाग में पहुंचे, माली से कहा प्यास लगी है मुसाफिर हूं पानी पिलाओगे, उसने कहा क्यों नहीं पिलाऊंगा। सामने के दरख्त से अनार तोड़ के लाया और प्याले में अनार को निचोड़ा तो प्याला भर गया जूस से, अनार को पानी से प्याला भर गया, पेश किया नौश फरमाइए। जब इन्होंने नौश किया तो वो बड़ा शीरी बड़ा नहीं कहने लगे, इतना अच्छा गा और इतने अच्छे फ्रूट एक अनार से प्यारा भर गया, ये तो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास बड़े बड़े मौजूद मेहमान आते हैं शाही मेहमान खाने में, उनकी मेजबानी में ये फल काम आना चाहिए, ये तो गरीब समाली है इससे ले लेना चाहिए ये बाग। इरादा कर लिया कि हम ये बाग इससे ले लेंगे। थोड़ी देर के बाद कहा एक अनार और लाओ, लेकिन इस दौरान पूछा तुम्हारा बादशाह कैसा है, तुम उसके मुताबिक क्या ख्याल रखते हो। माली कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अदल करता है, इंसाफ करता है, अल्लाह उसके बंदों के हुकूक की अदायगी में पोषा रहता है, अल्लाह का बड़ा करम है, हम उसकी दराजी उम्र के लिए दुआ करते हैं। फरमाया अच्छा तो फिर दुआ दो प्याला और पिला दो अनार के पानी का। वो माली गया उसी दरख्त से अनार तोड़ के लाया, जब प्याले में निचोड़ा तो चंद कतरे निकले, बस
चौंक गए। गोझर कदमू से जाके एक और अनाज तोड़ लाया, उसको निचोड़ा तो चंद कतरे। फिर गोझर कदमू से तीसरा अनाज तोड़ के लाया, उसको निचोड़ा तो चंद कतरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करा। हारून ने पूछा खैरियत? कहने लगा मालूम होता है कि हमारे बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन फलों से बरकत उठा ली, वरना मैं उसी दृष्ट से तोड़ कर लाया हूं जिससे पहले एक अनाज तोड़ कर लाया था तो पूरा प्याला भर गया था। अब तीन अनाज लाया हूं, एक घूट भी जूस का नहीं उतरा है। मालूम होता है कि हमारे बादशाह ने जुल्म का इरादा कर। अजीज दोस्तों, जिस मुल्क के हुक्मरान तवायफों को तमले दे, जिस मुल्क के हुक्मरान तबला तरंगी बजाने वालों को एक आजाद अता फरमाए, मैं पहले भी कहा करता हूं, आज भी दुखे हुए दिल के साथ आपसे पूछता हूं, ये फिल्मी अदाकार जो है ये कौम के मोहसिन हैं या कौम के दुश्मन हैं? इनको एजाज मिलना चाहिए या जूता लगना चाहिए? फिल्मी अदाकारों को अगर एजाजा अता करोगे तो बद अखलाकी फैलेगी, जिना फैलेगा, दांते बढ़ेंगे, चोरियां बढ़ेंगी। कोई शरीफ इंसान किसी फिल्म एक्टर को कभी एजाज नहीं दे सकता, फिल्म एक्टर को वही एजाज देगा जो उसी खानदान से ताल्लुक रखता हो, जो उसी जहन का हो। सारी खत लिखते थे तो दरिया तामीर करते, पैगाम देते थे तो हवाएं इजाद करती। अजीज दोस्तों, भड़कते हुए सोलों पे पानी के एक लग फेंकी तो आग ठंडी हो गई, जल्दों में काटती हुई जमीन को ठोकर मारी तो पुरसुकून हो गई। अनासर अल्लाह के सारू के आजम का हुक्म चला, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से अकाम की बात की थी, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जाने शहादत पीकर खुल्द बनी में सो गए। फिर सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसा के वक्त बहुत कम है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा, हम गुलशन अहले बैत का महकता हुआ रंगीन फूल। सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपनी वालदा की गोद से तिलावत सीखी थी, अपने नाना से इबादत सीखी थी, अपने अब्बा से सजदा सीखी थी, और करबला में ये तीनों सबक दोहरा दिए। तिलावत का भी हक अदा कर दिया, इबादत का भी हक अदा कर दिया, सजदा का भी हक अदा कर दिया, जालिमों के सामने सीना तान कर खड़े हुए, मुनाफों के आगे सर झुकाया नहीं। हम इसलिए हुसैन को जिंदाबाद कहते हैं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पर मिल्लत इस्लामिया इसी तरह फख्र करती है जिस तरह उस्मान की अफान पर। हुसैन को धोखे से बनाया मुनाफों ने, हुसैन को बड़े रसीले खत लिखे गए, बड़े रसीले वो खतूत अगर देखने हो तो तारीख के सफात पे बिखरे हुए तारीख कहती है, और मैं बात तारीख भी कर रहा हूं। कूफा वाली ने खत लिखा, इनाम आए बसुए हुसैन, इनाम आए बसुए हुसैन, अजानब शिया ने कूफा, अजानब शिया ने अली ब्याह ब्याह उसने मां के पेशवाए मुक्तदा लगाए। ये खत हुसैन बिन अली की तरफ कूफी शियों की तरफ से लिखा जा रहा है, तशरीफ लाइए, हम आपके सिवा किसी की इक्तदा नहीं करते, हम आपके सिवा किसी को पेशवा नहीं मानते, पत्नी पक चुकी हैं,
आइए हम आपके इशारे पर जाने दे देंगे, आप हमें जिस पहाड़ से फरमाएंगे पकड़ा जाएंगे और आपकी चाहत अपने हर दीन का पर्चा ऊंचा करेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को फितने और फसाद से बचाने के लिए एक गोशे में जाकर वक्त गुजारने का फैसला किया। जिम्मेदारी से कहता हूं, न सियासी मुहावरे और तफादुम मकसूद था, न इक्तदार से कब्जा करना मकसूद था। अगर सियासी तफादुम मकसूद होता तो वहां जाने के बजाय यहीं मदीना में उम्मत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देने के लिए तैयार थी, ठीक नहीं थी? आज हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के जुज़्बे ईमान से रखते हैं तो क़ुरूने उला के मुसलमान आले रसूल से मोहब्बत नहीं रखते थे? तारीख झूठ बोलती है कि हुसैन इक्तदार चाहते थे, तारीख दजले तरजीह से काम लेती है कि हुसैन ने सियासी तसादुम का रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल नहीं, न हुसैन तसादुम चाहते थे सियासी और न इक्तदार पर कब्जा करना चाहते थे। हुसैन सिर्फ सच्चाई की पासदारी में इस उम्मत को फितना और फसाद से बचाना चाहते थे। तशरीफ ले जाने के लिए तैयारी की। दोस्तों ने एक भाई है हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि हुसैन ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। इन्होंने हमारे बाप के साथ बेवफाई की थी, इनके नारों पर मत जाइए, ये दोस्ती का लबादा में दुश्मनी करने को आदि हैं, इन पर एतमाद मत कीजिए। शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं इरादा कर चुका हूं इसका आजम का फतवत कल अल्लाह से अमल करूंगा, जब इरादा कर लिया है तो हद से बाद आबाद। मैं वो शेर फिर दोहराऊंगा जो तमहीद में पढ़ा था, जब उसी को जान लेनी है तो फिर परवाह न करे, मौत तुझ पर आ पड़े या मौत पर तू जा पड़े। जिस तरह दामाद अली के मुताबिक मैंने कहा था कि बाहर मौत की धमकियां की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। हुसैन को भी बाहर हालात पर खतर नजर आ रहे थे लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा मुनाफिक जान ले सकते थे ना, और मुजाहिद के लिए अल्लाह के राह में जान देना जिंदगी की हकीकी मंजिल है। मेरे अजीज दोस्तों, शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आपके चचेरे भाई ने हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सफीर बनकर तशरीफ लाए थे। सिफारत और रिफाकत का हक अदा करते हुए जाने अजीज का नजराना पेश किया। कूफियों ने गद्दारी की, ये कभी किसी से वफा कर सकते हैं? उनसे क्या वफा की हुई? हजरत अली से वफा रखी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इर्द गिर्द जमा हुए तो मौला हम आपके, मौला हम तेरे, हम और किसी को नहीं मानते, हम आपके, हम आपके ही मौला। लेकिन जब मैदान में जान देने का वक्त आया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बुलाया से कहा है मेरे चाहने वाले, वो लोग खुदरों में छिप गए। हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन पर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एतमाद किया, उन्होंने सल्तनत इस्लामिया की बात देख संभाली। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इर्द गिर्द जमा होने वालों ने बेवफाई की, बिलाकर उन्हीं की ताकत पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शहीद किया गया। खुदा के करोड़ों नाम से हूं अली के कातिलों का, अली के कातिलों के नाम, अली के कातिलों के नाम, सुनाओ मानते हूं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर, वो यही जालिम थे, वो यही बदबख्त थे जो कभी लबादा बदलकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करते हैं, कभी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करते हैं, कभी हजरत हुसैन
बेवफाई की गई। अरे पोषण रजिंदा उतार आने के कारण उन्होंने हमला कर दिया। अरे पोषण रजिंदा उतार आने को अपनी पसंद के रास्ते पर बिलासपुर ने चलाना चाहा, लेकिन हुसैन ने वादे कर दिया, ना मेरा बाप तकिया करता था ना मैं तकिया करता। हम तकिया करने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, हम अल्लाह से तकिया करते हैं। हम ये साबित करेंगे कि सबसे पहले कुरान के खंडों के कानून पर आए
हंसते हुए हंसते हुए जान दे दी। सारे सन्न उठाए लेकिन मुनाफिकों से समझौता नहीं किया। तीन शर्तें रखी थी, जहां से आया हूं वापस जाने दो, जहां से आया हूं वापस जाने दो। ये मेरी इस बात की सच्चाई की दलील है कि हुसैन सियासी तसादर नहीं चाहते थे। अगर ये भाग हक़ बातिल का भाग होता, अगर ये भाग कुफ्र इस्लाम का भाग होता, तो मुजाहिद कभी कुफ्र से टकराते वक्त वापसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ाद ने यह बात कही थी, तारक ये नहीं था जो बताया जा रहा है। फरमाया जहां से आए हम वापस आने दो। एक, मुझे किसी इबादत में जाने दो कि जहां मैं इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई करूं, जिसका मान यह है कि यह भाव हमसे नजदीक कुफ्र इस्लाम की टक्कर नहीं थी। मैं अली का बेटा हूं, मेरी रगों में फासला अली का खून दौड़ता है, पागल पर जाने दो कुफ्र की सफे उलट दूं। और तीसरी बात यह कि अमीर वक्त से मुलाकात करने दो, मामला तय हो जाए। लेकिन मुनाफिकीन ये तीनों बातें नहीं चाहते थे, वो तो इंतकाम लेना चाहते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन खारजियों को जिंदा जला दिया था, जो सिद्दीक उमर को गालियां देते थे, जो उस्मान को गालियां देते थे, अली ने उनको जिंदा जला दिया। ये जालिम उन्हीं के वारिस थे, इन्होंने फरजंद अली से इंतकाम लेने की ठान रखी थी, चुनाते हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन हुसैन सर ऊंचा करके इस दुनिया से जाते हुए ये पैगाम दे गए मिल्लत इस्लामिया के लिए, कयामत तक हुसैन का पैगाम यही है कि अपने सफों में मुनाफिकीन को न घुसने दो, मुनाफिकीन को पहचानो और मुनाफिकीन की पहचान बताओ, मुनाफिकीन की पहचान बताओ जो उस्मान को खान कहे। शायद अभी मुलाकात हासिल हो, लेकिन यार मैं जैसे हर बार जब स्टेज पर बयान करता हूं तो यह सोच करके शायद मेरी जिंदगी की आंखें पकड़ी हो। मुनाफिकीन की पहचान यह है जो सिद्दीक उमर उस्मान पर बदजुबानी करें, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पर बदजुबानी करें, जो ये साबित करना चाहे कि नबी के बिस्तर पर बहुत से हैं, ये पाक दामन नहीं थी। जो कुरान में तारीफ करते हैं, जो मस्जिद के मुकाबले में वो बनाते हैं, जो कुरान के तसव्वुर कब्र के मुकाबले में मातम को अफजाई करते हैं, जो हुक्के आले मौत के टाइटल पर शहादत की किरदार किसी करते हैं, यही वो बना सकते जिन्होंने फारूक आजम की शहादत में साबित की, जिन्होंने उस्मान बिन नुरैन को शहीद किया, जिनके हाथों से हजरत अली मुर्तजा शहीद हुए, जिनके हाथों से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मुनाफिकों को अपनी सफ़ों से निकालोगे तो तुम्हारे लिए सलामती का रास्ता मुतय्यन होगा। जब तक मुनाफिक तुम्हारी सफ़ों में घुसे हुए हैं, ये तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं है। और यह जानते हैं कि आग लगाना बड़ा आसान है, बुझाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने आग लगाई थी, इन्होंने 35 हिजरी में मिल्लत इस्लामिया के घर में आग लगाई थी, जिसमें हजरत उस्मान जैसे बेज़ रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। उस आग को बुझा रहे थे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस आग को बुझा रहे थे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोनों आग बुझाने वाले मुनाफिक आग लगाने वाले, अल्लाह हमें इन रोशन किरदारों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हां, मैंने रात भी कहा था मेरे खुतबात जो दुनिया में छाए हुए हैं बहुत मुफीद होगा नौजवानों के लिए, इनका मुताला नौजवानों के लिए बहुत जरूरी और मुफीद होगा। अपनी लाइब्रेरी में इसे रखें, खुद भी मुताला करें और